तुम नाराज हो क्या? कहीं आउटडोर शूट की बात से तो नाराज नहीं हो? मॉम, आप इतने जल्दी में डिसीशंस क्यों लेती हैं? अगर मैं आपके पास नहीं होती तो आप अपनी इंसुलिन लेना भूल जाती हैं। अगर मैं यहाँ नहीं रहूं और आपको कहीं कुछ हो गया तो? अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं अपना ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम घर से बाहर निकलना बंद कर दो। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मुझे है। मुझे लगता है मैं तुम पर बोझ बन रही हूं। मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तुम इतनी चिंता मत करो बेटा। सब बकवास है, आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इतनी सीधी बात करने की क्या जरूरत है? मॉम, कल आपका बर्थडे है, आप मुझे क्यों भेजने पर तुली हैं? तुम्हारा पूरा क्रू कल टीएन सिंह टेंपल जाने वाला है ना? हाँ, तुम्हें याद है मैं अपने जन्मदिन पर वहां जाती थी? मुझे याद है। यही मैं तुम्हारे पापा से मिली थी। देखो, जब तुम छोटी थी तब हम वहां जाया करते थे। याद आया? तुम्हारी तस्वीरें भी हैं। देखो, हम तुम्हें वहां अक्सर ले जाते थे जब तुम छोटी थी। कैलान, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरा मन है मेरी जगह तुम वहां चली जाओ। मॉम, आप चीजें भूल जाती हैं। इंसुलिन याद से टाइम पर लीजिएगा, ना ज्यादा ना कम। मैं आपके लिए बाहर से खाना मंगवाऊंगी, मेरे कॉल का वेट करिएगा। मैं वीडियो कॉल करके देखूंगी जब आप इंसुलिन लेंगी, ठीक है? ठीक है। आपकी दवाइयां रख देती हूँ। दवा खाने से पहले डेट जरूर देख लीजिएगा, गलत मत खाइएगा। दवा खाने से पहले फोटो लेकर मुझे दिखाना मत भूलिएगा। जब तक मैं ना कहूँ कोई भी दवाई मत खाइएगा। और मैं सारे फ्रूट्स फ्रिज में रख देती हूँ, उन्हें खाइएगा मत। और केक भी नहीं, मेरे ना होने का फायदा मत उठाइएगा। मॉम, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। देखो, ये अंडा दूसरी क्लास के बाद खा लेना और सेब दोपहर में खा लेना, समझे? अरे बस भी करो, खा लो, बच्ची नहीं। ये लो बेटा, और कोला बिल्कुल नहीं, हाँ, वरना मेरी तरह डायबिटीज हो जाएगा तुम्हें भी। हमेशा जल्दी में रहती है, रोज सुबह का नाटक हो गया है। मॉम, मैंने दवाइयां रख। मॉम, आपने सुना भी मैं आपसे क्या कह रही थी? सुना बेटा, मैं सोच रही थी कौन वो खुशनसीब होगा जिससे तुम जैसी जिम्मेदार बेटी की शादी होगी। मॉम, मॉम, हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। रात में वीडियो कॉल करूंगी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अपने काम पर ध्यान दो, ऐसे परेशान मत हो। गेविन, फ्रेश फ्रूट का वीपी हायर कर लो। यांग ने मुझे उसके बारे में बताया था।
मैं लौट के आके मिलता हूँ उससे। बाय बाय। सुनो, तुम्हारा प्लान क्या है बताओ। सब रेडी है ना? डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करना, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। एनजी, प्रेसिडेंट यू कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले हैं? वो अचानक से 3 दिन के शूट पर जा रहे हैं, वो भी बिना किसी एम्प्लॉय को लिए। माँ, युहाव की चिंता मत करो, वो उसके साथ प्रोग्राम शूट करने के लिए गया है। इस बार जिद पकड़ ली है। सालों हो गए मैं गांव नहीं आया था। हाँ, सही कहा। सुहाने मौसम का लुफ्त उठाओ, मजे करेंगे। हम अभी पहुंचने वाले हैं, उतरने की तैयारी करते हैं। ओके। हम पहुंच गए। आओ तुम्हारी मदद कर दूं। चलो। हाँ, इसी तरफ है। चलो अंदर चलें। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो तुम ये शो करना चाहते हो या नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बार बार एक ही सवाल मत करो। मैंने अभी अभी ये ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर? हाँ, मुझे नहीं पता था ट्रेलर रिलीज हुआ है। अरे, ट्रेलर रिलीज हो गया और हमें किसी ने बताया तक नहीं। इस एपिसोड के लिए हमारा क्रू जाएगा गांव में और ऐसा पहली बार होगा कि राउंड टेबल डिस्कशन फॉर्मेट को बदल देंगे कंपटीशन में, तो इस शो के साथ बने रहिए। फॉर्मेट चेंज के बारे में भी हमें नहीं बताया। इस एपिसोड में हर गेस्ट एक डिश बनाएगा और यहाँ के लोकल पीपल डिश खाकर वोट करेंगे और वही विनर डिसाइड करेंगे। ये बात तो मानने वाली है कि प्रेसिडेंट यू कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और विनर बनना चाहते हैं, वरना ये हमेशा के लिए प्रोग्राम से विथड्रॉ कर लेंगे। तुमने फॉर्मेट क्यों बदला और मैंने कब कहा कि मैं प्रोग्राम से विथड्रॉ करूंगा? तुम एक स्टेटमेंट रिलीज कर दो, लेकिन ऑडियंस को लगेगा कि शायद तुम कॉम्पिटिशन से डर गए। यहाँ शूट करना थोड़ा मुश्किल है, सॉरी। तुम्हें ली के साथ रूम शेयर करना होगा। तुम चिंता मत करो, ली बहुत ही अच्छा लड़का है, साफ सफाई रखता है, कोई गंदी आदत भी नहीं है सिवाय कि खराटे लेता है। वैसे ईयर प्लग्स तो लाए हो ना? सोते हुए भी शूट करोगे? ये एक कॉम्पिटिशन है, सब चाहते हैं कोई चीटिंग ना हो, और तुम तो पहले ही चीटिंग कर चुके हो तो सावधानी तो बरतनी होगी ना। हमने और भी कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि तुम रूल्स ब्रेक ना करो। तुम्हारे ऊपर 2400 घंटे कैमरे की नजर होगी, ना तुम रूल्स के खिलाफ जा सकते हो और ना ही किसी की मदद ले सकते हो। अगर शो में कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, तो अभी भी मौका है, एक बार वापस सोच लो। दोबारा तुम सोचो, मैंने जो बोल दिया करूंगा, एक ही बात 50 बार नहीं बोलता। ये बेडशीट साफ नहीं की गई है। युहाव, खुद को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, शूटिंग तो हम कर ही लेंगे, तुम यहां पर रहो या ना रहो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
अरे बाथरूम कहाँ है? मेरे पीछे आओ, बताता हूँ। ये क्रू के लिए टेम्परेरी बाथरूम है, थोड़ा गंदा है। घबराओ नहीं, यहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। क्या यहाँ पर एक ही बाथरूम है? ओए किन्नौरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पागल ही लगता है तो। कीड़े मकोड़ों से डर? कितनी मजेदार बात है ना, वो भले कितना ही बॉसी और अकड़ू बन जाए, वो असल में कीड़े मकोड़ों से डरता है। बचपन में मेरी माँ हमेशा मुझे उससे कंपेयर करती थी और मैं चिढ़ जाता था, तो जब वो सोता था तब मैं हर तरह के कीड़े उसके ब्लैंकेट में डाल देता था, चमगादड़ भी। कितनी गंदी बात है। तो मैं छोटा बच्चा था। केलान, जरा सोचो, इतना डरने के बाद भी वो गाँव गया, एक ऐसी जगह जहाँ हर तरफ बस मच्छर ही दिखाई देते हैं। लगता है उसे सच में तुम्हारी चिंता है। अच्छा वैसे डायरेक्टर जिन ने जानबूझकर ट्रेलर बनाया है ना, ताकि वो यूहाव को चैलेंज कर सके। जैसा यूहाव का नेचर है, वो तो डायरेक्टर पर केस कर सकता था, पर उसने नहीं किया। इनफैक्ट वो पीछे भी नहीं हटा, किसके लिए कर रहा है। मुझे लगा तुम लोग हनीमून रोड ट्रिप पर जा रहे हो, दूसरों की चिंता करना बंद करोगी तुम। ए, ये मेरे नेफ्यू और बेस्टी की बात है, दूसरों की बात कैसे हो गई? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चिंता है, तो थोड़ी एक्टिव बनो ताकि मैं तुम्हारी कम चिंता करूं। अच्छा अब मुझे जाना होगा, बग स्प्रे भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय। बहुत हुआ, उसने क्या कहा मेरे नेफ्यू के बारे में? उसे जैसे ही पता चला कि वो कीड़ों से डरता है, वो मेरा फोन काट कर एक बग स्प्रे लेने चली गई। तो इससे क्या पता चलता है? ये युवाओं के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? सीधा मुझ पर कूद गया, घिन आई मुझे। डायरेक्टर जिन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम दूर रहा करो मुझसे। बिना मुझसे डिस्कस किए ट्रेलर क्यों रिलीज किया? अगर युवाओ शो का विनर नहीं हुआ तो उसे क्विट करना पड़ेगा, फिर मैं उसके बिना क्या करूंगी? मुझे नहीं लगता कि उसके रुकने से तुम्हें कोई फायदा होने वाला है। अरे पर चुप, बहुत सारे काम है मुझे। बैंकशॉ, यस सर। चलो लोकेशन देखते हैं। कैसा बेकार पार्टनर है, हद है। क्या हो गया जेंगबी? मेरे दो प्लान्स हैं। प्लान ए, युहाओ को विनर बनाना जिसे वो शो में बना रहे। प्लान बी है इस मौके का फायदा उठाकर युहाओ का दिल जीतना। मैं युहाओ के पास जाती हूँ, उसकी हेल्प करने के बहाने उसके करीब आ जाऊंगी और फिर वो मेरा हो जाएगा। हाँ, पर बाथरूम में कैमरा नहीं है। रात को टाइम निकाल के आओ और मुझे डिश सिखा दो। तो आप बाथरूम में छुपे हैं जहाँ कैमरास नहीं है और मेरी हेल्प लेकर रूल्स तोड़ रहे हैं। अगर हम चुपके से बाथरूम से निकल भी गए तो सिखाने के लिए कोई जगह नहीं है। किसी गांव वाले के घर चले जाएंगे। मुझे तो लगता है जब से तुमने मेरी कंपनी को छोड़ा है तब से तुम्हारे अंदर खाना बनाने का जज्बा कम हो गया है। किचन ढूंढने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा ना? मैं तुम्हें टीचिंग फी दे दूंगा। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए 3 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। चलेगा। और किचन फीस? वो भी दे दूंगा। मेरे पास इनवॉइस नहीं है तो मैं एक नंबर भेजती हूँ। हाँ ठीक है, भेजो, सब कुछ मंजूर है।
जल्दी से काम पे लग जाओ वरना पैसे कट हो जाएंगे। प्रेसिडेंट यू, अब तो आप अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो आप और क्यों सीखना चाहते हैं? ये सब टाइम वेस्ट नहीं लगता है आपको? मुझे विनर बनना है। पर आपको विनर क्यों बनना है? वो ट्रेलर तो सिर्फ मार्केटिंग के लिए है। आप मेन स्पॉन्सर हैं। अगर आप अप्रूव नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे उस जिन से हारना मंजूर नहीं। एक और सवाल किया तो आधे पैसे कट। थोड़ा पेपर जलाकर फिर तुम आज इसे जला पाओगे या नहीं? डायरेक्टर ये थोड़ा मुश्किल है। हटो हटो हटो, ला मुझे दो। हटो, मुझे करने दो, तुम किसी काम के नहीं, तुमसे कुछ नहीं होता है। तुम्हें पता था कि इसे कैसे जलाते हैं? हो गया। ओ ये धुआं। प्रेसिडेंट यू, आप क्यों नहीं ट्राई करते इसे? अरे मैं हूँ। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। एक तो यहाँ इतने बड़े बड़े मच्छर हैं। मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया? फोन ऑफ हो गया। अरे ये लीजिए। थैंक यू। तो आप मेरा वेट कर रहे थे यहाँ? और नहीं तो क्या, तुमने कहा था तुम मुझे कुकिंग सिखाओगी। फोन बंद हो गया तो मैसेज नहीं कर पाया, इसीलिए सबके जाने का वेट किया और यहाँ के खड़ा हो गया। खैर अभी के लिए ये वॉकी यूज करो, दोनों का सिग्नल सेम है। कोई बहाना बनाकर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? किसका डर था आपको? केलान, 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 कहाँ चली गई होगी? मैं अभी आता हूं। यू सर, हम क्लास के लिए कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा है? चलिए। Thank you.
मेरे प्यारे युहाव, फर्स्ट आने में मैं मदद करूंगी। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं कितनी नर्वस हूँ। आंटी, हम आ गए। केलान, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत दिन हो गए मिले। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बड़ा ही हैंडसम है। पता है, ये थोड़ा थोड़ा मेरे दामाद जैसा दिखता है। नहीं, ये मेरे फ्रेंड है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। साथ में खाना बनाने के लिए लाई हूँ। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। अरे कोई परेशानी नहीं, अंदर आ जाओ। केलान ने फोन करके मुझे कहा था कि उसे खाना बनाने के लिए मेरा किचन चाहिए। पर तुमने तो आज सुबह कहा था कि तब तक पैसों की बात नहीं हुई थी। तुम लोग आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन केलान ने दे दिए। याद है ना, पैसे मैं डिसाइड करूंगी। चलो आओ, थोड़ा सा पानी पी लो, जल्दी से। थोड़ा सा पानी पी लो और बाद में तुम यहाँ पर खाना बना सकती हो। मैंने सारा सामान अंदर रख दिया है। इस बार मैंने कैनोला ऑयल बनाया है, एकदम फ्रेश है। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। आंटी, ये कौन है? मैं इतनी खुश हूँ कि बिल्कुल बताना भूल गई। बिल्कुल डरना मत, मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने अपने लिए ये बनाया है। अब जो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे दर्द होता रहता है। जल्द ही मेरा भी वक्त आएगा। मेरे पति पहले चले गए तब मुझे उनके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करना पड़ा। जब मैं चली जाऊंगी तो अपने बेटी और दामाद को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वो दोनों शहर से बाहर हैं और हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। उनके पास स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए आने का भी वक्त नहीं। मैंने सोचा मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, तो मैं पहले से ही सारी तैयारियां करके रखती हूँ। इसी तरह मुझे ज्यादा परेशानियां नहीं होती। देखो, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ करने लगी। चलो चलो, आगे बढ़ो और खाना बनाना शुरू करो। मैं बाहर मछली पकाती हूँ। चलो आ जाओ। अरे आंटी, हाँ, मुझे आग जलाना सिखा सकती हैं? हाँ हाँ हाँ, जरूर, जल्दी अंदर आओ, अंदर आओ।